प्यारे दोस्तों, आज हम आपको रेशो टू ट्रेंड मेथड के बारे में बताएंगे। हम जानते हैं रेशो टू ट्रेंड मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग सीजनल ट्रेंड। जैसे कि एक हफ्ते के बाद कोई ट्रेंड चेंज होता है किसी प्रोडक्ट्स की प्राइस का, या एक महीने के बाद, या एक 3 महीने के बाद क्वार्टरली, तो उसको कैसे मेजर किया जाए, उस सीजनल वेरिएशंस को, उस सीजनल के ट्रेंड्स को कैसे मेजर किया जाए। जैसे हम कहते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की जो सेल होती है वो दिवाली के सीज़न में इंक्रीज़ हो जाती है, या सर्दियों में इंक्रीज़ हो जाती है, गर्मियों में कम होती है, तो इसको मेजर करना बहुत ही आवश्यक है ताकि हम उतनी ही प्रोडक्शन करें अपने प्रोडक्ट्स की। तो इसके लिए हमारे पास ये शो टू ट्रेंड मेथड है। इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसका हम सीजनल इंडेक्स निकालेंगे। यह एक प्रोडक्ट के प्राइसेस दिए हुए हैं। 1991 में फर्स्ट क्वार्टर में ये प्राइसेस थे, ये वाले प्राइसेस थे। 1992 में ये प्राइसेस थे, 1993 में ये प्राइसेस थे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में। अब हमने क्या किया, इस जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर है 1991 में, इसका हमने टोटल ले लिया, 140 आ गया। ऐसे ही 180, 200, 260, 340। अब हम इसका एवरेज ले लेंगे, 140 को 4 से भाग करेंगे तो ये वाई आ जाएगा एवरेज, 35, 45। जैसे 200 को भाग किया 4 से तो 50, 260 को भाग किया 4 से 65, ऐसे 85। इनका जो टोटल है वो सिग्मा वाई है, 280। अब हमें एक्स चाहिए क्योंकि हम ट्रेंड वैल्यू, ईयरली ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम डेविएशन ले लेंगे। 1993 को ओरिजिनल मान लीजिए आप और सभी को घटाते रहिए। 1991 में से 1993 गया माइनस, तो 1992 में से 1993 घटा दें, यह आएगा माइनस एक। ऐसे ही 1993 में 1993 हमने घटा दिया, यह जीरो आ गया। ऐसे ही 1994 में से 1993 घटाया, यह एक प्लस का आ गया। ऐसे ही 95 में से 93 हमने घटा दिया, ये दो आ गया। टोटल की जरूरत नहीं है, वैसे टोटल इसका 5 बनता है, ये एन मान लीजिए आप। ऐसे ही अगर y है, इसको x के साथ गुना करेंगे, 35 माइनस 2 तो ये माइनस 70 आ जाएगा, 45 माइनस 1 ये माइनस 45 आ गया, 0 0 65 170। इसका टोटल है सिग्मा एक्स वाई 120। अगर इस x को, जो कि डेविएशन है, ईयर्स में से हमने घटाया, ओरिजिनल ईयर्स 1993, तो 4114 सिग्मा एक्स के टू 10 आ गया। अब ईयरली स्ट्रेट लाइन ट्रेंड निकालेंगे। हमें पता है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड का जो फार्मूला है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है। अब इसके बेस पे हम इक्वेशन बना दी हमने, सिग्मा वाई एन ए प्लस बी एक्स, सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स की टू। अब इसको हमने सॉल्व करना है, वैल्यूज पुट कीजिए। अब जो ये सिग्मा वाई है, ये हमारे पास ये 280 है, ऐसे ही हमने एन है 5 है, ऐसे ही सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स ये ही सिग्मा एक्स हो सकता है, 2 3
जीरो आ सकता है सिग्मा एक्स, ओके। और सिग्मा एक्स की टू की जो ये वैल्यू है 10 यहाँ डाल देंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 56, बी की वैल्यू 12 आ जाएगी, ओके। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यूज ए और बी के बेस पे हमने एयरली ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। ए हमने कैलकुलेट किया 56, बी हमने कैलकुलेट किया 12। अब 1991, 1992, 93, 94, 95 में हमने ए और बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू वही है जो हमने डेविएशन निकाला था, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है जी, इसको ओरिजिनल मानकर इस ईयर्स को। तो इस बेस पे हमारी वैल्यूज निकली 32, 44, 56, 68, 80। अब हमने क्वार्टरली ट्रेंड की वैल्यूज निकालनी है। देखो क्वार्टरली हम कहते हैं 3 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यू, एवरी क्वार्टर विल बी 3 मंथ्स। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स आ गए, 12 भाग 4, 3 मंथ्स का एक है, 4 क्वार्टर्स हमारे आएंगे। तो यह है 1991 है, मान लीजिए क्या है, यह है 1991, इसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है, और इसका सेंटर पॉइंट 2 और 3 क्वार्टर के बीच में 32 हमारा एनुअल ट्रेंड वैल्यू है। अब ऐसे ही 1992 है, इसके 4 क्वार्टर्स बनेंगे, 1993 है, इसके 4 क्वार्टर बनेंगे, 1994 है, इसके 4 क्वार्टर बनेंगे, 1995 इसके 4 क्वार्टर बनेंगे, और सभी के सेंटर में सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में हमारी एनुअल ट्रेंड वैल्यूज होंगी 32, 44, 56, 68, 80 जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ, ओके। अब हमने क्या करना है, क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करना है। देखो बहुत सिंपल सा है, देखो ये 32 है ना क्वार्टरली 2 और 3 के बीच में, तो अगर मैं 32 में से 1.5 घटा दूं, क्योंकि एक क्वार्टर 3 मंथ्स का है, तो ये क्वार्टर 2 आ जाएगा, 32 में से मैंने घटाया 1.5, और अगर मैं 32 में से 1.5 और फिर घटा दूं 3, तो मेरे पास 27.5 आ जाएगा क्वार्टर 1 की ट्रेंड वैल्यूज। क्वार्टर 2 की ट्रेंड वैल्यूज 32 में से 1.5 घटाया 30.5 आ गया। अगर क्वार्टर 3 की कैलकुलेट करनी हो तो इस तरफ 1.5 मंथ्स हमने ऐड कर देना है, और आगे फिर हमने 3 मंथ्स ऐड कर देना है, तो हमारे पास यह आ जाएगा 36.5। ऐसे करते करते हमने 1992 की क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की वैल्यूज कैलकुलेट कर देना है। अब मैं जैसे कहता हूँ कि 1995 की क्वार्टर 3 की ट्रेंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई, सीधी सी बात है, 1995 देख लिया मैंने 80 है, और 80 में से जस्ट मैंने जमा किया 1.5 मंथ्स, ये देखो 1.5 मंथ्स इसमें ऐड किया, तो ये आ जाएगा। फिर 3 मंथ्स ऐड कर दो, क्वार्टर 4 की वैल्यूज आ जाएगी, ओके। तो इस तरह क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है एनुअल ट्रेंड वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद। अब आप आगे आइए, अब मैंने रेशियो टू ट्रेंड निकालना है, तो मेरी जो ओरिजिनल वैल्यू थी जो हमने एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है, इसमें ओरिजिनल वैल्यूज हैं, पर मैंने रेशियो टू ट्रेंड निकालना है, तो ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है 36 और इसकी जो ट्रेंड वैल्यू है क्वार्टरली वो 27 है। अब मैंने क्या किया, 36 भाग 27.5 × 100 कर दिया, ऐसी ओरिजिनल वैल्यू है सेकंड क्वार्टर की 34 और इसकी है ट्रेंड वैल्यू 35, तो मैंने किया 34/35 × 100। ऐसे करते करते मैंने रेशियो टू ट्रेंड निकाल दिया, ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड क्वार्टरली ट्रेंड वैल्यू इंटू 100,
करके इस क्वार्टर की निकाल दी, इस क्वार्टर की निकाल दी, इस क्वार्टर की निकाल दी, क्वार्टर की ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ऐसे करते करते पांचों इयर्स की हमने रेशियो टू ट्रेंड वैल्यू निकाली। अब इसका टोटल ले लिया, फर्स्ट क्वार्टर का इतना है, सेकंड का इतना है, थर्ड का इतना है, फोर्थ का इतना है। अब इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो एवरेज निकल जाएगी, इनकी एवरेज है। तो ये एक तरह के सीजन इंडेक्स है, 101.09, 110.06, 104.10, 88.08, यहाँ तक ठीक है। अगर हमने और इसका आंसर क्लियर निकालना है तो इसका जो सम ऑफ एवरेज है 403 है। अगर इसको भाग कर दूं एक एक एवरेज से और गुना 400 कर दूं, तो 400 में से इसका इंडेक्स हो जाएगा सीजन इंडेक्स, Q1, Q2, Q3। अदरवाइज ये और ये तीनों ठीक है। एक जवाब अगर कोई कहे कि Q1 का जो सीजनल वेरिएशन है 101.09, तो उसमें इंक्रीज हुआ टोटल जो प्राइस था Q2 में पांचों ईयर्स में, तो 110 हुआ, ऐसे फिर कम हो गया, 104 हो गया, फिर और कम हो गया, 88 हो गया। तो हमें डिसीजन लेना बहुत आसान होगा। अब टोटल 5 ईयर्स का है ये, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। इंस्टेड हम देखी जाएं कि यार इतनी सारी अमाउंट्स हैं अलग अलग ईयर्स में, तो उसमें उसकी बजाय ये 4 वैल्यूज हमें ज़्यादा आसान लगेंगी डिसीजन लेने में, कि पहले ट्रेंड इंक्रीज हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, बस इतनी सी बात है। तो आगे क्या हम प्राइस होगा उस हिसाब से हम अपनी प्रोडक्शन करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।